हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्लेस। ज्ञान प्लेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मगध साम्राज्य से संबंधित टॉप 30 MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब कभी वीडियो अपलोड करें आप लोग को सही टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सन्निधाता किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय कोषाध्यक्ष को मौर्य काल में जो है सन्निधाता कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दो है, मुद्रा राक्षस में ब्रिसल किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मुद्रा राक्षस में ब्रिसल कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चार है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थवीर और महासांगिक में विभाजित हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँच है, प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व राजगिरी में जो है महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छः है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में 383 SP पूर्व वैशाली में जो है साब कमीर की अध्यक्षता में हुई थी, और इसमें पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालाशोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सात है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के मित्र और उसके संरक्षक भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठ है, जरासंध किसका पुत्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौ है, आपन किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार के समय मिले जुले गांव के समूह को जो है आपन कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके शासनकाल में सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने बिंबिसार पुल अथवा बिंबिसार मार्ग का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसने बिंबिसार पुल अथवा बिंबिसार मार्ग का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु जो है रानी महाकोशला का पुत्र था, और अजातशत्रु के पिता का जो नाम था वो था बिंबिसार। अजातशत्रु ने खुद अपने पिता को जो है हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, काश्यप संहिता के रचनाकार कौन थे? काश्यप संहिता के रचनाकार जीवक थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, महाशिलाकंटक और रथमूसल जैसे अस्त्रों का प्रयोग किस शासक ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, एक रात की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महापद्मानंद। महापद्मानंद नंद वंश का जो है संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया था और इसने अपने आप को ही एक रात की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन है जो सिकंदर के समकालीन था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। धनानंद को जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके धनानंद को पराजित किया था। इसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीक इतिहासकारों ने किसे अग्रमिस या जैन धर्मिस कहा गया है? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, चीनी ग्रंथ फा युएन लिन में बिंदुपाल किसे कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, देव नाम प्रियदर्शी उपाधि से किसे विभूषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है 13वें अभिलेख में किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, कुनिक किसका उपनाम है? कुनिक जो है अजात शत्रु का उपनाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम जनतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो है चयन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने नागदशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था उसे हटा के जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किया था और इसने वैशाली को मगध का जो है राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनानंद, जो कि सिकंदर महान के समकालीन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से जो है वर्णन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा लिखित ग्रंथ मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है और ये इस वीडियो का आखिरी है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पे जो है विजय की प्राप्ति की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।